ऑल राइट हाँ, तो ड्रेस देखो, यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर की एक एंट्री बना ली है और आप देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रखा है। क्या आपको भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको कमेंट बताना जरूर। अब देखो यहाँ पे जो मैंने टारगेट सेट किया ना, यहाँ तक मार्केट बिल्कुल एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि इस फ्लो में एक फ्लो में मार्केट नीचे आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक हॉल्ट लेगा, कहीं ना कहीं एक रिवर्स लेने की ट्राई करेगा, तो अपन उससे पहले वहीं पे एक हमको जहाँ मोमेंटम रहेगा ना वहाँ पे एग्जिट कर देंगे। क्योंकि देखो यार आज फ्राइडे है, ऑप्शन जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो हमने एंट्री भी जो बनाई है बहुत अर्ली एंट्री बनाई है, हमको वहाँ जो रिस्क रिवॉर्ड है बहुत अच्छा रहेगा। जब भी हम एग्जिट करेंगे बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड में एग्जिट करने वाले हैं। SL जो हमारा है सिर्फ 50 पॉइंट का है, मैक्सिमम 50 पॉइंट का हमारा SL है, और जो टारगेट है मेरे ख्याल से 200-250 पॉइंट का है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज जो मार्केट है ना, गैप अप ओपनिंग हुआ था उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, एक अपसाइड जाने का ट्राई किया, मगर ये अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल कर गया। ठीक है, कल भी मार्केट बहुत अच्छा एक रैली किया हुआ था, और कल का जो ट्रेड है ना मैं मिस कर दिया था, क्योंकि एक्चुअली मैं फंक्शन वगैरह में था है ना, तो उस वजह से मैं उस ट्रेड को नहीं कर पाया। तो मैं वेडनेसडे थर्सडे को ट्रेड नहीं किया हूँ, तो आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और चलो अभी तो इस ट्रेड को चलने देते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ से, और वीडियो के एंड में अपन एक्सप्लेन करता हूँ आपको कैसे मैं किस बेसिस पर ट्रेड लिया था, और जब हमारा टारगेट अचीव होने वाला है तो आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर। हाँ तो ड्रेस देखो, यहाँ से अगर फॉल आता है ना, ये ग्रीन कैंडल का लो जैसे निकलेगा तो काफ़ी एक अच्छा फॉल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बायर्स को दिखा रहे हैं कि यार बायर्स हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे कोई बाइंग कर रहा है, मगर जैसे ही इसका लो कटेगा बहुत तेज़ी से यहाँ पर फॉल आएगा, और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे इस मोमेंटम पर निकल जाएँ, क्योंकि बहुत देर हो गया हमको यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए, और हमारा जो टोटल PNL है ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन पे आ गया है। तो जो पहला ट्रेड लिया था ना वहाँ पे थोड़ा कहीं ना कहीं लॉस हो गया था मैं 600 रखा, और वो एक ट्रेड लॉजिकली था, एक हैमर पे जैसे मैं ट्रेड लेता हूँ उस वही ट्रेड था, मगर कहीं ना कहीं छोटी सी थोड़ी वहाँ पे एक मिस्टेक थी, और जो मुझे पता था कि अगर ये ऐसा फॉल करेगा तो निकल जाएगा, तो इसलिए मैं तुरंत एग्जिट कर दिया, मैं होल्ड नहीं किया, वेट नहीं किया। और उसके बाद देखो कि अब निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरी है, मैं चलो अभी देखते हैं क्या होता है आगे, वैसे इसका चलो लो निकलने वाला है तो वेट करते हैं अगर तेज़ी से निकलता है कि निकलता है। तो ड्रेस देखो, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा था, वो कितना तेज़ी से यहाँ पे फॉल आया। अब देखो फॉल कन्फर्म हो गया है कि मार्केट यहाँ से अब डाउन साइड जाएगा, और जहाँ पे मैं टारगेट सेट किया ना वहाँ कहीं ना कहीं टेस्ट कर सकते हैं। मगर देखो अभी हमारा PNL जो है रेड से ग्रीन में आ गया है, हमको ग्रीन में ही क्लोज करना है, ये बात को ध्यान रखना है पहली बात। और दूसरी बात, हम देखते हैं कहाँ तक ये हमको मूवमेंट मिलता है, मूवमेंट जहाँ तक मिलेगा वहाँ पर हम लेंगे और वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो गया हमको बैठे इस ट्रेड में, करीब निकल से 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलो अब देखते हैं, जैसा भी मिलता है वहाँ पर एग्जिट कर देंगे।